हरे कृष्णा। तो आज बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो इस एकादशी का महात्म्य हम सुनेंगे। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, बैसाख के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और उसका क्या फल है और क्या विधि है, हे जनार्दन आप मुझे बताइए। बैसाख है शुक्ल पक्ष है तू किम नाम है एकादशी भवे किम फलम को विधि तस्या कथयस्व जनार्दन। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मपुत्र, युधिष्ठिर महाराज को धर्म का पुत्र कहा जाता है या धर्मनंदन कहा जाता है। तो श्री कृष्ण बोले हे धर्मपुत्र, मैं इस कथा को कहता हूँ तुम मन लगाकर सुनो। क्यों? क्योंकि पहले इस कथा को पूछने से वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र से कहा था। कथयामि कथामेतां श्रुणुतं धर्मनंदन वशिष्ठो याम कथयन् पुरा रामाय पृच्छते। तो ये कथा इतनी सुंदर है, इतनी अद्भुत है कि श्री राम ने जब पूछा तब वशिष्ठ मुनि ने उन्हें बताया। तो श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से किस कथा को मन लगा करके सुनिए। कथा में ताम भगवान कहते हैं कि कथा में ताम कथयामि श्रुणु तुम, कि हे धर्मनंदन तुम इसे सुनो। तो श्री रामचंद्र ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि हे मुनीश्वर, सब पापों को नष्ट करने वाला और दुख नाशक सब व्रतों में जो उत्तम व्रत है उसको मैं सुनना चाहता हूँ। भगवंत्रो तुमिच्छामि व्रतानाम उत्तमम व्रतम सर्व पाप क्षय करम सर्व दुख निकृंतनम। तो भगवान श्री राम जो है यद्यपि परमेश्वर पर ब्रह्म है, परंतु वशिष्ठ मुनि से पूछते हैं मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए कि कैसे पूछना चाहिए और क्या पूछना चाहिए। तो श्री राम पूछ रहे हैं जो मनुष्यों की लीला कर रहे हैं, श्री राम पूछ रहे हैं क्या कि व्रतानाम उत्तमम व्रतम श्रोतुम इच्छामि, कि मैं सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहता हूँ? व्रतों में जो उत्तम व्रत है, ऐसा व्रत जो सर्व पाप क्षय करम, समस्त पापों का विनाश करे, और सर्व दुख निकृंतनम, और समस्त दुखों को भी दूर करे। श्री राम कहते हैं कि हे मुनीश्वर, मैंने सीता के विरह से उत्पन्न दुख भोगे हैं, इससे मैं भयभीत हूँ, और हे मुनि आपसे मैं पूछता हूँ। मया दुखानि भुक्तानि सीता विरह जानि वै ततो हम भयभीतोऽस्मि पृच्छामि त्वां महामुने। तो श्री राम ऐसी बात पूछते हैं वशिष्ठ मुनि से कि मैंने सीता के विरह में दुख भोगे हैं। तो श्री राम को कोई दुख नहीं है और उनको सीता का कभी विरह भी नहीं होता, लेकिन मनुष्य लीला में ऐसा वो दिखाते हैं और श्री राम ये दिखाते हैं कि भौतिक संसार दुखों से भरा हुआ है। तो किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दुख हो तो वो किसी प्रकार के दुख को नहीं चाहता, लेकिन वो दुख उसे आता है। दुख उसी कहते हैं, दुख उसी को कहते हैं जिसे आप नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, और जो प्राप्त होते हैं। तो श्री राम कहते हैं कि मैं भयभीत हूँ, दुखों से भयभीत हूँ, इसलिए पूछता हूँ। तो वशिष्ठ मुनि बोले हे श्री राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है और तुम्हारी नैष्ठी की मति है, तुम्हारे नाम के ग्रहण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। साधु पृष्ठम तो या राम है तब ऐसा नैष्ठी की मति त्वन्नाम ग्रहण नैव पोतो भवती मानव। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे श्री राम, आपकी मति नैष्ठी की है। नैष्ठी की मति का मतलब है कि एक निश्चित दिशा में कार्य करती है। तो श्री राम की मति नैष्ठी की है, इसीलिए श्री राम ऐसा प्रश्न करते हैं। संसार दुखों का स्थान है, तो यहाँ दुखों से हमें मुक्ति प्राप्त करना है। तो अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि इसी दिशा में कार्य करे तो वो नैष्ठी की मति कहलाती है। और फिर वशिष्ठ मुनि कहते हैं तो नाम ग्रहण न पोतो भवति मानवः, आपका नाम ग्रहण करने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है।
तो श्री राम के नाम का ऐसा महात्म्य है कि श्री राम का नाम पवित्र करता है। फिर आगे वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि मनुष्यों के हित की कामना से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने ऐसा प्रश्न पूछा है, मनुष्यों के हित की कामना से आपने प्रश्न पूछा है, तो मैं कहता हूँ कि जो ब्रह्मा जी हैं उनको भी पवित्र करने वाला ये उत्तम व्रत है। सोचिए, ब्रह्मा जी तक को पवित्र करता है तो किसको पवित्र नहीं करेगा? ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च व्यक्ति हैं और सबसे पहले व्यक्ति हैं। तथापि कथयिष्यामि लोकानां हितकामयां पवित्रं पावनानां च व्रतानां उत्तमं व्रतम्। हे श्री राम, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है वो मोहिनी नाम से विख्यात है, संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। वैशाखस्य सिते पक्षे द्वादशी रामया भवे मोहिनी नाम सा प्रोक्ता सर्व पापे हरा परा। तो इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से और पापों के समूह से छूट जाता है। मोह जालात प्रमुच्येत पातकानां समूहतां अस्या व्रत प्रभावेण सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि ये मोहिनी जो एकादशी है तो इसका नाम क्यों पड़ा है मोहिनी, क्योंकि मोह जाल से ये मुक्त करती है। पातकानां समूहतः और पापों के समूह से हमें मुक्त करती है। तो ये मैं सत्य कहता हूँ और सत्य कहता हूँ। वशिष्ठ मुनि कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ और सत्य कहता हूँ। श्री राम, ये आप जैसे मनुष्यों द्वारा करने योग्य है, पापों का क्षय करने वाली और महादुख को नाश करने वाली है। अतस्तु कारणाद नाम है कर्तव्य भवादृश है पातका नाम क्षयकारी महादुख है विनाशिनी। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि इस कारण से ये जो है आप जैसे मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। तो श्री राम तो मनुष्य नहीं है, ये तो परमेश्वर हैं, परंतु मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो वशिष्ठ मुनि भी उनको मनुष्य मान करके ऐसा बता रहे हैं आप जैसे मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि महा दुख का विनाश करने वाली है और पापों की क्षयकारी, पापों का क्षय करने वाली है। श्री राम, हे श्री राम, पुण्य को देने वाली इस शुभ कथा को एकाग्र होकर सुनो, इसके श्रवण मात्र से ही महापाप नष्ट हो जाते हैं। सुनो स्वय के मना राम कथाम पुण्य प्रदाम शुभाम अस्या श्रवण मात्रेण महापापम प्रणश्यति। तो वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं कि एक मन से सुनो, हे श्री राम, इस कथा को एक मन से सुनो, क्योंकि ये पुण्य प्रदान करती है, ये शुभ कथा है और इसके श्रवण मात्र से महापाप नष्ट हो जाता है। सरस्वती नदी के तट पर एक शुभ भद्रावती नाम की पुरी है। तो भद्रावती नाम की पुरी है, बहुत ही पवित्र पुरी है, उसमें द्युति नाम के राजा राज्य करते हैं। सरस्वत्यास्तटे रम्ये पुरी भद्रावती शुभां द्युतिमान नाम नृपते तत्र राज्यं करोति वै। हे श्री राम, चंद्रवंश में उत्पन्न वे राजा बहुत धैर्य संपन्न थे, सत्य प्रतिज्ञा करने वाले थे और उसी राज्य में धन धान्य की समृद्धि से भरा पूरा एक वैश्य निवास करता था। सोमवंशोद्भवो राम धृतिमान सत्य संग्रह तत्र वैश्यो निवसति धन धान्य समृद्धिमान। उस वैश्य का नाम था धनपाल और वो धर्म पालन करता था, प्याऊ और यज्ञशाला आदि को और तालाब बगीचा आदि को बनवाता रहता था। धनपाल इति ख्यातः पुण्यकर्म प्रवर्तकः प्रपाशयत्रान् यतनायतन तरागाराम कारकः। विष्णु भक्ति में रत और शांत स्वरूप था, उसके 5 पुत्र हुए। किसके? वो धनपाल नाम का वैश्य,
विष्णु भक्ति में लगा रहता था, शांत स्वरूप था। 5 पुत्र हुए, पहला सुमना, दूसरा द्युतिमान, तीसरा मेधावी और चौथा सुकृति। विष्णु भक्ति पर शांत तस्यासन पंचपुत्रकां सुमना द्युतिमान चैव मेधावी सुकृति तथा। तो ये तो 4 हुए, सुमना द्युतिमान मेधावी सुकृति, और पांचवा था महापाप में लगा हुआ धृष्ट बुद्धि नाम का, वो वेश्या के संग में लगा रहता था। पंचमो धृष्ट बुद्धिश्च महापापे रता सदा वारस्त्री संग निरतो विटगोष्ठी विशारदः। जुआ आदि व्यसन में आसक्त था, पराई स्त्रियों के भोग में लीन था, देवता अतिथि वृद्ध पिता और ब्राह्मणों को नहीं मानने वाला था। द्युतादि विषनाशक्त पर स्त्री रति लाल सहम न देवान्नातिथिन वृद्धान पितृंशैव द्विजान अपि। ना तो देवताओं का सम्मान करता था, ना अतिथियों का, ना वृद्धों का, और ना पिता का, और ना ब्राह्मणों का सम्मान करता था। अन्याय करने वाला था, वो दुष्ट पिता के धन को क्षय करता था, अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करता था और सदा शराब पीता रहता था। अन्याय करता दुष्टात्मा पितुर्द्रव्य क्षयंकर हम अभक्ष्य भक्ष्य कहा पाप हम सुरापान रहता सदा। वेश्या के गले में हाथ डाल करके राजपथ पर भ्रमण करता था, तब पिता के द्वारा घर से निकाल दिया गया और भाई बंधुओं ने भी उसे छोड़ दिया। वेश्याकंठा क्षिप्त बाहुर भ्रमण भ्रष्ट चतुष्पथे पित्रा निष्कासित हो गए हाथ परित्यक्तश्च बांधवे। फिर वो अपने शरीर के आभूषणों को बेच बेच कर खर्चा करने लगा और तब सब वेश्याएं उसकी निंदा करने लगीं और उसे छोड़ने लगीं। सुदेह भूषण अन्य क्षयम नेता निते न वह गण का भी परित्यक्त हो निंदितश्चा धन क्षया। तो जब उसके आभूषण भी सब बिक गए, अब उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं रहा, तो स्त्रियों ने भी उसको त्याग दिया। क्योंकि वेश्याएं तो धन चाहती हैं, और धन जब उसके पास नहीं रहा तो वेश्याओं ने त्याग दिया और उसकी फिर बहुत निंदा होने लगी। क्योंकि उसके पास धन नहीं रहा, तब उसके पास वस्त्र नहीं, भूख से दुखी अपने मन में सोचने लगा कि अब क्या करूं और कहां जाऊं और कौन से उपाय से जीवन व्यतीत करूं। तथा चिंता पर हो जा तो वस्त्रहीना क्षुधार्ति धाम किम करोमि को गच्छामि के नो पाए न जीव्यते। फिर उसी नगर में चोरी करने लगा, तब राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, उसके बाद पिता के गौरव से छोड़ दिया। तस्करस्तम समारब्धम तत्रैव नगरे पुनः गृहीतो राजपुरुषैर मुक्तश्चा पितृ गौरवान्। फिर वो बांधा गया और छोड़ा गया, तब हार कर राजा ने उस धृष्ट बुद्धि दुराचारी को कारागार में बंद करवा दिया। पुनर्बद्धा पुनर्मुक्ता पुनर्मुक्ता ससंभ्रमे धृष्ट बुद्धिर दुराचारो निबद्धो निगडैर दृढ़। कोणों से उसको मारा और बारंबार पीड़ा दी और उससे कहा, अरे दुष्ट दुराचारी, तू हमारे देश में मत रह। कषाघातस्ताड़ितश्च पीड़ितश्च पुनः पुनः न स्थातव्यम ही मंदात्मन त्वया मद्देश गोचरी। फिर ऐसा कहकर राजा ने उसे दृढ़ बंधन से छुड़ा दिया। राजा के भय से वो वहाँ से निकल गया और बड़े घने वन में चला गया। एव मुक्त्वा ततो राज्ञा मोचितो दृढ़ बंधनान् निर्जगामे भयातस्य गतोऽसौ गहनम् वनम्। भूख प्यास से दुखी वो वन में धर धर भ्रमण करने लगा, फिर शेर के समान मृगों को और शूकरों को मारने लगा। क्षुत्रसा पीड़ितश्चायम इतश्चेतश्च धावती सिंहवन्य जिघानासौ मृग शूकर चित्तलान्। सदा मांस खाकर वन में निवास करता था और हाथ में धनुष बाण लेकर पीठ में तरकस बांधे हुए भ्रमण करता था। आमिष आहार निरतौ वने तिष्ठति सर्वदा करे सरासनम कृत्वा निसंगम पृष्ठ संततम। और वन के पक्षियों को और
चार पैर वाले जानवरों को मारा करता। चकोर, मोर, कंक, तीतर, मूसे इनको मारता रहता था। अरण्यचारिणो हन्ति पक्षिणश्च चतुष्पदान् चकोरांश्च मयूरांश्च कंकातित्तिरमूषकान्। ये धृष्ट बुद्धि क्रूर स्वभाव वाला जीवों को नित्य मारता और पूर्व जन्म के किए हुए पाप द्वारा पाप रूपी कीचड़ में धस गया। एतानन्यान हन्ति नित्यं दृष्टिधीरति निर्दयम् पूर्व जन्म में कृते पापैर निमग्ना पाप कर्दमे। दुख और शोक से युक्त वो दिन रात चिंता में रहता। फिर वो किसी पुण्य के प्रभाव से कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में आ गया। दुख शोक समाविष्ट चिंतयन्तोऽप्यहर्निशं कौंडिन्य शास्त्र में पदम प्राप्त पुण्यवशात् क्वचित्। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी पुण्य के प्रभाव से कोई पुण्य का उदय हुआ तो वो कौंडिन्य मुनि के आश्रम में आ गया। वैशाख के महीने में जिन्होंने गंगा स्नान किया था ऐसे ऋषि के समीप शोक के भार से पीड़ित ये पहुँच गया। माधवे मासे जहनव्याम कृतस्नानम तपोधनम आसाध दृष्ट बुद्धि शोक भारेण पीड़िता। उनके वस्त्र से गिरे हुए जल की बूंदों के स्पर्श से इसका पाप नष्ट हो गया और ये कौंडिन्य के आगे खड़ा होकर के हाथ जोड़ कर बोला। तद वस्त्र बिंदु स्पर्श से न गत पाप माहता शुभम कौंडिन्यस्याग्रता स्थित्वा प्रत्युवाच कृतांजलि। दृष्ट बुद्धि ने कहा कि हे मुनि, ऐसा प्रायश्चित्य बताइए जो बिना यत्न के हो जाए, क्योंकि इस जन्म में मैंने जो पाप किए हैं उनके प्रायश्चित्य के योग मेरे पास धन नहीं है। प्रायश्चित्तम वद ब्रह्मन् विना यत्नेन यद् भवेत् आजन्म कृत पापस्य नास्ति वित्तम ममाधुना। तो दृष्ट बुद्धि यही बोला कि मेरे पास धन है नहीं, तो फिर ऐसा प्रायश्चित्य बताइए जो कि अनायास हो जाए, आसानी से हो जाए। क्योंकि बहुत से प्रायश्चित होते हैं जिनमें धन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो उसने कहा कि मेरे पास धन नहीं है, तो बिना किसी धन के अगर कोई हो जाए तो वो प्रायश्चित बताइए। तो ऋषि बोले, जिससे तेरे पापों का क्षय होगा सो तू एकाग्र मन होकर सुन। वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी आने वाली है। सुन स्वयके मना भूत्वा ये न पाप क्षयस्तव वैशाखस्य पक्षे मोहिनी नाम नामतः। सो तू मेरे वचन की प्रेरणा से उस एकादशी का व्रत कर, वो एकादशी सुमेरु पर्वत के समान भी मनुष्य के पापों को नष्ट कर देती है। एकादशी व्रतम तस्मात् कुरु मन वाक्यनोदितः मेरु तुल्यानि पापानि क्षयम् नयति देहिनाम्। इस मोहिनी का व्रत करने से अनेक जन्म के पाप क्षीण हो जाते हैं। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वो धृष्ट बुद्धि अपने मन में हंसने लगा। बहुजन्मार्जितान्येषां मोहिनी समुपोषिताम् इति वाक्यं मुने श्रुत्वा धृष्ट बुद्धिर्हसन् हृदि। और कौंडिन्य के उपदेश से विधिवत व्रत किया। हे राजन, व्रत करने से वो पाप से रहित हो गया। व्रतम चकार विधिवन् कौंडिन्यश्च कौंडिन्यस्योपदेशतः कृते व्रतेनापि श्रेष्ठ हत पापो बभूवसः। तो कितना इसका महात्म है एकादशी का कि उसने एकादशी का व्रत करने से अपने सब पापों को छीण कर लिया। क्योंकि कितना वो पापी था इसकी पता, इस बात का पता चलता है इस कथा के अंदर कि कितना पापी था। उसके बाद दिव्य देह होकर गरुड़ में चढ़कर उपद्रवों से रहित जो विष्णु लोक है उसमें चला गया। तो इसका महात्म्य इतना ज़्यादा है कि सब पापों से मुक्त हो गया तो दिव्य देह प्राप्त हो गई। दिव्य देह का मतलब है वैकुंठ में रहने के लायक जैसा शरीर होना चाहिए वैसा शरीर उसको प्राप्त हो गया। और गरुड़ जी स्वयं इसको लेने के लिए आए,
वैकुंठ में ले जाने के लिए कभी कभी विमान आता है, लेकिन इस बार गरुड़ जी स्वयं आए इसको लेने के लिए और विष्णु लोक में चला गया जो उपद्रवों से रहित है। दिव्य देहस्ततो भूत्वा गरुड़ो परिसंदितः जगाम वैष्णवम लोकम सर्वोपद्रव वर्जितम। हे श्री राम, अंधकार और मोह को दूर करने वाला ये एक ऐसा व्रत है। मोह है, अंधकार या अज्ञान, अज्ञान और मोह को दूर करने वाला ये ऐसा व्रत है कि तीनों लोकों में से अधिक और कुछ है नहीं है। इति दृशम रामचंद्र तमो मोह निकृंतनम नातः परतरम किंचन त्रैलोके साचराचरे। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, तीर्थ अनेक प्रकार के होते हैं, दान अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन इसकी सोलहवीं कला के बराबर भी कोई नहीं है। सोलहवीं कला का मतलब है 6%, तो 6% भी नहीं होता है। जितने यज्ञ हैं, तीर्थ दान हैं, इस एकादशी के सामने 6% भी नहीं है। और इसको पढ़ने सुनने से भी कितना फल प्राप्त होता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो पढ़ने सुनने से भी 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। यज्ञादि तीर्थ दानानी कलाम नारहंति षोडशी पठना श्रवणाद राजन गोसहस्र फलम लभे। तो ये कथा जो मोहिनी एकादशी के महात्म्य की है, ये कूर्म पुराण में है और कूर्म पुराण से इसको जो है लिया गया है। इति श्री कूर्म पुराणे वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी महात्म्यम समाप्तम। तो कूर्म पुराण के अंतर्गत वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी का महात्म्य पूरा हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।